हेलो एवरी वन टुडे विल कंटिन्यू द टॉपिक दैट इज़ एक्टिव पैसिव वॉइस सो चिलन टुडे विल टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हाउ टू चेंज सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस इन द पैसिव वॉइस सो चिलन लेट सी द एग्जाम्पल वी हैव वन द मैच हैव हैव एंड वन यू नो दैट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव वर्क वर्ड फॉर्म हैज़ कम इन द सेंटेंस एंड वेन वी चेंज इन टू पेसिव वॉयस अपर यू नो दैट दिस इज अ ऑब्जेक्ट हैव वन दिस इज अ दिस इज वर्क एंड वी इज अ सब्जेक्ट हेयर वैन वी मेक पैसिव वॉइस तो वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द मैच हैज़ बीन वन बाय अस तो हेयर वी वी हैव वी विल एड बीन हेयर हमको क्या ऐड करना है यहाँ पे बीन जिस हैज हैज शी लर्न द स्पीच आप लिखो हैज़ दज द स्पीच बीन लर्ड बाय हर तो चिल्ड्रन रूल इज एक्टिव इन एक्टिव वॉयसल सेंटेंस है रूल हैज है वर्ब यानी वी थ्री वैन वी मेक द पैसि तो वी राइट पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है उसके आफ्टर दैट हैज हैव आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय आप बाय का यूज करोगे प्लस सब्जेक्ट लाइक दिस वी हैव वन द मैच आपने लिखा द मैच हैज बीन बिन बन वन बाय यू आपने बीन का यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में होती ही है तो सेम ही रहेगी और बाय सो चिल्ड्रन एक्सरसाइज इज गिवन हेयर फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो यू हैव टू चेंज इन पैसिव आपको यहाँ पे पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फिल करना है आर स्कूल लाइब्रेरी फुली uh, रेनोवेट तो so, आपके लिखो

तो यू कैन डू लाइक दिस नो सेकेंड टेंस इज नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट तो सेम ही है बस वहाँ पे प्रेजेंट में हैज हाँ है और पास्ट में क्या आता हैड वी वी विल यूज हैड इन द पास्ट परफेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्क इज वी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर सनसेट वेन वी चेंज इन टू दैट पैसे वॉइस द वर्क The work हैड been finished by us क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वी बाय अस बिफोर सनसेट लाइक दिस नेक्स्ट सेंटेंस इज हैड द ऑलरेडी रिपेयर द रोड पैसे वॉइस है हैड द रोड बीन ऑलरेडी रिपेयर आई हैव टोल्ड यू अर्यर कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इज स्टार्ट विद वर्ब ऑलवेज स्टार्ट विद तो हैड का हैड ही रहेगा हैड द रोड ऑब्जेक्ट यहाँ पे द रोड है तो सब्जेक्ट बन जाएगा द रोड बीन ऑलरेडी रिपेयर

Punished. Pun punished. Third form of punish. Punished. You can do like this, children. Now uh, uh, 14 exercise is change these sentences from active to passive voice. Sentence is the they had recently bought a new car. So how to make a new car had been recently bought by them. Like this. Now next tense: is future perfect tense. Future perfect tense. How to identify the future perfect tense will have. वर्ब This is a rule that you have uh, that you will identify the tense and how to change in the pun, passive voice. So you have to use first you use object, after that will, yeah, phir shall. Uh use karna hai? have or been. After that, third form of the verb phir by, then subject. You have to learn the rules. Now uh, exercise is change the sentences from active to passive voice.

and the in uh, in perfect continu perfect continuous tense voice uh, active passive voice is not used so children here chapter is completed and i hope you have understood the topic so children thank